किशु बता दे गाइस, फाइनली वी आर एट बाजार। कौन सा मार्केट है? बड़ी चौपड़? नहीं गाइस, ये छोटी चौपड़ है। बड़ी चौपड़ उस साइड पे रेड लाइट के डिफरेंस ही है। हवा महल गाइस, ये पीछे हवा महल है। पीछे हवा महल है, आप आपसे मिलते हैं रास्ते में। मेरा प्याला बेटा भी लाओ बोतल। अब इसे नहाने ठंडे पानी से करवानी है आज? नहीं, मैं नहीं करूंगा। यहां तक लगानी है। वो तो मुझे झंझट हो गया। इस मार्केट में आए नहीं है, कृषि की फरमाइश से पहले स्टार्ट हो गया। देखो क्या ले रहा है, दादू के साथ क्या ले रहा है भाभी? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? माय गुड इज अ चाटा। अगर जयपुर आना हो तो टूरिस्ट सरिता शर्मा को कॉन्टेक्ट करें। सरिता शर्मा पर टू 10,000 रुपीस देती है। टूरिस्ट गाइड वो ही है। टूरिस्ट गाइड है भाई। हेलो, खाना रहना, खाना रहना आपकी तरफ से। और ऊपर प्लीज बंद कर दे इसको। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद कर दो। गोवा में घूम रहे। स्विमिंग कभी पानी में ले जाऊंगी तो भारी निकल जाएगी। स्विमिंग साइड में वो लोडिंग है उसके ऊपर कुछ हो जाए जल्दी है। ऊपर ही चढ़ना, इसको ऊपर चलना पड़ेगा। ये पसंद है, एक बार रेट का आईडिया लेते हैं। ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है। गाइस, दो शॉप पे 1.5-2 घंटे लगा लिए, कुछ समझ में नहीं आया। और पापा मम्मी को कह रहे हैं कि रेट तो पूछ लेते कम से कम, पर मम्मी कह रही है पापा आपको इसलिए लाए हैं। सही बात है। गाइस सोना की थोड़ी शक्ल उतरी हुई है, रीजन पूछो। मेरे जिस दोस्त की शादी आ रही है ना, मेरे को उसके लिए लहंगा नहीं मिलना। देख लो क्या करा जाए। मतलब मैं चाहती हूँ, अगर हम जयपुर इतना मेहनत करके आए हैं, पैसा फूक के पेट्रोल का और सब चीज़, तो मिल जाए, हम खुशी खुशी जाएं, हम सैड होके ना जाएं। गाइस यहाँ पर चप्पलें मिल जाएंगी, है ना? चप्पल जूती कितने की है? 250 रुपए में जूतियाँ मिल जाएंगी। गाइस अभी एक शॉप पे भैया ने बोला 100 रुपए की जूतियाँ ले जाओ, मैंने कहा सारी, फिर वो चुप हो गए। दो लहंगे वाली शॉप पे क्या हुआ है? दो लहंगे वाली शॉप पे ये हुआ है। कौन सी वाली? जिसपे भी कहते हैं वेटिंग है, क्योंकि अब शादी का सीजन आ रहा है, तो लोगों ने बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं, तो उन्होंने बोला 15 मिनट की वेटिंग है। तो हम एक शॉप पे गए थे, फिर हम दूसरी शॉप पे गए, उन्होंने बोला 20 मिनट की वेटिंग है। अब हम दोबारा फर्स्ट वाली शॉप पे जा रहे हैं, अब देखते हैं। बस वहाँ पे हमारी वेटिंग ओवर हो गई। गाइस लड़कों का सही है, नेट से फोटो निकाल लो। भैया ये बनाना है, वो कहेगा भाई बना दूंगा। गाइस ऐसे बहुत हेडेक है। और गाइस ये देखो कितनी फैल है। उसने मुझे शॉप पे दिखा रही थी, पर इनको मैंने बोला शॉप देखो, कहते लड़की भाई मैं मेरे को लगा। गाइस वो वाली शॉप ये जिनको मैं बोल रही। गाइस लास्ट टाइम हमने यहां से सब्जी खाई थी, चिकन, ओहो क्लास। ये सुमित साइकिल व्लॉग बोल रहे, जो खुद भी दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हो गए सुमित साइकिल व्लॉग से, जाकर कमेंट करो। और गाइस ये व्लॉग आएगा, ये देखो ये वाला व्लॉग आएगा, क्या पता तब तक मिलियन भी हो जाए। नहीं परसों ही आएगा ये। गाइस भाभी की बातें इग्नोर करा करो, भाभी कभी भी कुछ भी बोल देती है हमारी भाभी। ये हवा महल इतना ही दिखा सकते हैं एग्जिट। सो गाइस अब हम कहीं कहाँ जा रहे हैं? हम खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा नहीं, हम खाने के लिए नहीं जा रहे, पहले हम पापा और दीदी को और डुब्बू को लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम सब कुछ खाएंगे। तो ये सबको भूख लग रही होगी और पापा दीदी को भी भूख लग रही होगी, और वहाँ पे डुब्बू को दिखाएंगे कि डुब्बू की क्या हाल है। वैसे तो बच्चा ब्रेव है हमारा, बट देखते हैं बात। छोनी बाबू को क्या हो गया था? गुड्डा चाहिए, गुड्डू चाहिए हो गया, गुड्डू बिल्ली। रंजी शेखर श्याम, ये ना
गुड्डू हमारा लड़का सही हो गया वापस से, एक्सरे में भी कुछ नहीं है, हड्डी सही मतलब एक राइट लेफ्ट हो गई थी, डॉक्टर ने छटका दिया है, मेरी छोनी है सब सही है। डुगो जय करके दिखाओ, डुगो जय करके दिखा दे, बच्चों को मत हंसाया कर, हां सुन लो किशोर गुड्डू बिल्ली, हां जी छह है मेरा, आए हाय हंस के दिखा दिया फाइनली। गाइस अब आए हैं हम चावला करके, रिव्यू बहुत अच्छे थे इसके, विल टेल यू द फूड अंदर पहुंच के व्लॉग बना रहे हैं, बोलते हैं गाइस यार शैतानी कर रहे हैं, और अब हम आए हैं चावला के एजिनो और फूड रिव्यू देंगे कैसा है। और हाय गाइस, बोलो हाय गाइस, फिर बोलते हाय गाइस, बोलो हाय गाइस, 2 मिनट पहले शक्ल देखते कल भी हुई थी जैसी चौमिन आई है, ये देखो अब ये टेस्ट भी देगी लड़की। गाइस हिना जी जी 10 ऑन 10 ऑन 9 हां 9 8.5 गुड्डू गुड्डू को देख लो, गुड्डू को देख लो हमारे शेर को, ऐसे कहा चुका है प्रीतिका का मम्मी टेस्टी भी देंगी चाची, फिर रात को 2 बजे आए वहां से उसके घर से बोल डाल साथ, बढ़िया बढ़िया पास है जी, मम्मी खुश हो गए, स्पाइसी है पेशावरी चिकन और देखते इसका टेस्ट भी दूंगा मैं, इना पकड़ो आकाश दिल तो ले शू समझ जा, तू देख भैया को लग गई ना कहना मान जा, नीचे बैठ के जो मर्जी कर भाई, नेक्स्ट नंबर डुगु डुगु हां भैया भाई भाई डुगु गरम होता है गाइस, इनका रिएक्शन देखा था यही वाला, हर वीडियो में यही रिएक्शन आता है, ओके ये रिएक्शन इनके पहले पता कब आया था, मैंने इसे देखा था ना हां अगले संडे को ये बनाएंगे, चुकू को देख लो पता नहीं कौन सा शेक बना रहा है, वही तो जूस बना रहा है पत्ता गोभी डाल के, देखो क्या बना रहे हो आप, मोहितो जूस मम ऐसे देखो गुड पी ले, पी ले और पी भी लेगा ये, अभी देखना जा नहीं रहा है, गया डुगो अब टेस्ट करके बताओ कैसा है, जल्दी से टेस्ट करो गुड पी लो पी लो पी लो कैसा है डुगो कैसा है, अच्छा है गाइस, दाल फ्राई लाल मांस रोटी, लाल मांस मैंने खाना था बहुत टाइम से, बड़ा मौका भी है, दस्तूर भी है, सोना भी है, और चाची टेस्ट करेंगे इसको, खाओ जल्दी खाओ, शक्ल दिखाओ ओरिजिनल के, देखो शक्ल दिखाओ क्या चाहिए आपको, मेरी प्लेट में लास्ट टेस्ट रिव्यू देता हूं, जा इसका बेटा लो गाइस, क्रिस सुनो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिस से ग्लास गिर गया, अच्छा इधर से घूम के तो आ मेरा बेटा है, कोई बात नहीं आ तू, क्रिशु को डांटा नहीं है बट क्रिशु कह रहा डांटो नहीं, दूसरा भी ये देखो चटनी और दाल मिक्स करके गाइस, यहाँ का खाना है मस्त ट्राई, ये कौन सी जगह है चावला, गाइस मजा आ जाएगा, पेट भर गया है, मन नहीं भरा, लाजवाब सब कुछ फिनिश, दाल बची है इसको हम लेके जाएंगे, मैं मेरे से लोग पूछते हैं ना कि रात को तेरे को घूमने की आदत कहाँ से लगी, मम्मी अभी होटल से हम डिनर करके घर जा रहे हैं, पहुंच के होटल के बाहर राइट बोला था, मम्मी कहती कि नहीं यार रात को घूमते हैं थोड़ा सा, देख लो गाइस अब बाहर आके तो घूमना चाहिए, आगे से नहीं है, तो पापा बहुत टेस्टी सा है, खुशबू अच्छी आ रही है पापा, पापा की शुगर ऊपर चली जाएगी, फिर तो दूर जाओ, हां जी वो टेस्टी है ना, गाइस हम मार्केट आए हैं जयपुर की, रात को खुली रहती है, और किशु को लग रही है भूख, किशु बता दे चाचू भाई यार मैं दूध नहीं पिला रहा, चाचू कैसे पिलाएंगे दूध बेटा, मेरे बच्चों को दूध पिला गाइस, आकाश भाई टेंशन में थे, इनको गुटखा नहीं मिल रहा,
अब होता सर भाई, मैं बच्चे को दूध लेने आया हूं, देखो और कुछ नहीं, देख लो। अरे और लो पकड़ो दूध भी निकाल। हम छोटे बेबी इशू बता दे क्या वो क्या करे आज। रुको रुको, उल्लू बना दिया चाचू ने। क्यों यस मम्मी, मम्मी ने गोलगप्पे खाने थे, खाने नहीं दे रहा था। मैंने कहा आज कुछ दिलाता हूँ, दुकानें बंद है सारी। सब की हवा टाइट हुई है, नॉट मी एंड नॉट मी, माय टमी इज फुल। और गाइस अब हम जाएंगे घर पे, नहीं यहाँ पे एयरबीएनबी है, और अंदर जाके मिलते हैं। अभी फुल फॉर्म गूगल करेंगे इसको। ऑलराइट गाइस, जिस जिसको एयरबीएनबी भी फुल फॉर्म पता है कमेंट कर दो। एसी चला के गई थी पर यही है गाइस, छोटा सा रूम टूर तो यही करते हैं एंड। ऑलराइट गाइस, सो गाइस बाय, डे 1 खत्म जयपुर का। अब आपको मिलेंगे डे 2 में कल। कल तो टेस्टी टेस्टी चीजें दिखाएंगे खाने के लिए। ऑलराइट, गुड नाइट, सी यू, बाय।